आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागार में गुरुवार को समाजवादी नेता इशदत्त यादव की पुण्यतिथि मनाएगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। इस दौरान लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव समेत आजमगढ़ के तमाम विधायक व अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बीजेपी सरकार पर धर्मेंद्र यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्थिति बद से बदतर है, कानून व्यवस्था फेल है, केवल बहाना कर समाजवादी पार्टी के लोगों को सताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को रोका है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन बीजेपी के नेता झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के दिवारा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर बाढ़ चौकियां केवल कागजों में स्थापित है, मौके पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब ये तो वही हाल है क्योंकि कल मैं बाढ़ पीड़ित इलाके में गया, पांच परसेंट में था, वहाँ चौकिया कागजों में स्थापित है, वहाँ कोई तैनाती नहीं मिली। कल मैं फिर जा रहा हूँ बाढ़ पीड़ित इलाके में, सभी क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ जितने यहाँ पर समस्या है, सांप काट रहे हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, पशु कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं थी, कोई राजस्व के लोग नहीं मिले, एक दो चौकियों में पुलिस के सिपाही लोग जरूर मिले, बाकी कोई भी नहीं मिला। तो चूंकि मैंने जब पता किया तो पता लगा कि पूरा कर्मचारी मौसम मनाने व्यस्त है। आपका दौरा कर रहा कहाँ पर रिंग रोड बन रहा है, जरा आप जाके वहाँ के लोगों से बात करें और व्यवहारिक तौर पर फिजिकली चेक करिए कितना काम हुआ। भाषण देना बीजेपी के लोगों की आदत बन गया, जैसे 2 करोड़ रोजगार आसान हो गए, जैसे सबके किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, जैसे आप सभी के खातों 15 लाख पहुंच गए, जैसे सुस गई का सारा पैसा लौट आया, जैसे महंगाई कम हो गई। जब उनके नेता इस तरह के झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ के जो पुराने सांसद थे उनसे क्या उम्मीद लगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।